नमस्कार, चिली किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो नया वीडियो मेरा देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज चिकन की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने चिकन को एक घंटे तक मैरिनेट कर लिया है और ये सब आप देख लीजिए इन्ग्रीडियंट्स हैं और ये देख लीजिए। इसके बाद हम ऑयल को गर्म कर रहे हैं। ये ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ किया है, इसको गर्म कर लीजिए। और इसमें खड़े मसाले आप डालेंगे, दालचीनी, लौंग और इलायची। देखिए इस तरीके से तेल गर्म होने के बाद आप डाल दीजिए और इसके बाद आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से डालेंगे और हिला देंगे इसको और इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें प्याज जो है वो हमने महीन पीस के रखा है, उसको डाल देंगे और उसके बाद उसको भी चलाएंगे और अच्छे से उसको डार्क ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। जितना ज़्यादा प्याज आप भूनेंगे उतना ही चिकन का टेस्ट भी अच्छा आएगा और उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए अच्छे से ब्राउन कर लीजिए। ये देखिए ब्राउन हो रहा है ये। अब इसमें आप सूखे मसाले डाल लीजिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च स्वाद के अनुसार। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से गैस को बहुत मंदी आंच पे, कम आंच पे करेंगे और इसको अच्छे से भुनने देंगे मसाले को। अब इसमें टमाटर जो आपने पीस के रखा है प्योरी टाइप, उसको आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से मिक्स हो जाएगा और इसमें आप नमक डाल दीजिए। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आपने मैरिनेट करते वक्त चिकन में नमक ऑलरेडी डाला हुआ है। देखिए हल्दी और नमक से आपने मैरिनेट किया था चिकन को। अब चिकन के पीसेस आप इसमें डाल दीजिए। देखिए ये बोनलेस है चिकन, ये बहुत जल्दी भुन भी जाएगा। देखिए इस तरीके से भून लीजिए इसको। देखिए थोड़ी देर के लिए ढकेंगे गैस कम करके और देखिए थोड़ा थोड़ा तेल भी साइडों पे मसाले ने छोड़ दिया है। ये देखिए इसको दोबारा ढकेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन गया। तो आप इसको तीन चार बार ढक के कम गैस पर भून लीजिए। देखिए अब इसमें पानी डाल लीजिए, आप जितने ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहते हैं। मैंने इसमें एक डेढ़ गिलास पानी डाल दिया है। ये देखिए इसको पका लीजिए और इसमें सिर्फ आपको दो ही सीटी बजानी क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत भून चुके हैं तो काफ़ी गल चुका है पहले से। ये देखिए चिकन की करी रेडी है, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए ये देखिए तैयार हो गया है। ये देखिए, और आपको मेरा अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेसिपी।